एवरीवन, दिस इज शिखा। वेलकम बैक टू द चैनल टेल्स ऑफ मॉम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। और आज मैं आपके साथ जो शेयर करने वाली हूँ वो है बेबीज टॉडलर का डाइट प्लान। लाइक 1 to 2 ईयर्स के बच्चों का जो डाइट प्लान होता है, उनका जो दिन भर के खाने की रिक्वायरमेंट होती है, उसके बारे में मैं आज आपसे बात करूँगी एंड कम्प्लीट आपको ऑप्शंस दूंगी, फूड के ऑप्शंस, और रूटीन भी बताऊँगी कि अभी क्या, जैसे कि 1.5 साल का होने वाला है कुछ दिनों में, तो मतलब उसका रूटीन कैसा है, और मैं जो चीज़ें अपने बच्चे को खिलाती हूँ वही सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगी। सो डाइट चार्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आपके साथ 2-3 चीज़ें क्लियर कर देती हूँ, बता देती हूँ पहले कि हर बच्चा जो होता है वो डिफरेंट होता है, सबकी रिक्वायरमेंट अलग होती है, सब अपने तरीके से ग्रो होते हैं, अपने तरीके से बढ़ते हैं, और उनके खाने पीने की जो चॉइसेस होते हैं वो भी डिफरेंट होते हैं, एंड उनका जो रूटीन होता है दिन भर का वो भी डिफरेंट होता है। तो अगर आपका बेबी इस पूरे रूटीन में, इस डाइट चार्ट में कम्प्लीटली फिट नहीं बैठ रहा है और आपको बहुत स्ट्रेस लग रहा है कि मतलब मेरा बच्चा इस ढंग से नहीं खा रहा या इस ढंग से उसका रूटीन नहीं है, तो घबराने की कोई बात नहीं है, बिकॉज हर बच्चा अलग होता है। आप डेफिनेटली टाइमिंग्स को और खाने पीने की चीज़ों को अपने बेबी के पसंद के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। और नेक्स्ट, जो बेबी का खाने का शेड्यूल होता है, वो जो 1 साल से 2 साल के बच्चों का जो खाने की रिक्वायरमेंट होती है, उसको जनरली 3 मील्स खाने चाहिए, लाइक ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया एंड डिनर हो गया, एंड 2 स्नैक्स होने चाहिए, लाइक मिड मॉर्निंग स्नैक्स एंड इवनिंग स्नैक्स, जस्ट लाइक अडल्ट। और उसके बाद जो मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है, वो पूरे दिन में उनको 2 से 3 बार मिल्क पीना चाहिए। 150 ml to 200 ml आप मिल्क बेबी को एक टाइम पे दे सकते हैं। और बिना किसी देरी के चलो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये कंप्लीट डाइट प्लान फॉर बेबीज। तो बेबी का जो वेकअप टाइम है वो है 7 to 7:30 के बीच में। अगर इस टाइम बेबी उठते हैं तो हम उसका पूरा दिन काफ़ी अच्छे से शेड्यूल कर सकते हैं, बाकी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट भी कर सकते हैं। उठने के बाद बेबी को देना है ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मूला, या फिर अगर 1 ईयर प्लस है तो आप होल मिल्क भी दे सकते हो, 150 to 200 ml आप ये दे सकते हो। इसके बाद आता है ब्रेकफास्ट टाइम। तो ब्रेकफास्ट जो है वो 8:30 to 9:30 am के बीच में मैं कराती हूँ, आप चाहे तो टाइमिंग एडजस्ट कर सकते हैं। और ब्रेकफास्ट के ऑप्शंस हैं वेज में इडली सांभर, डोसा विद चटनी, ओट्स खिचड़ी, सूजी उपमा, वेमिसली उपमा, सूजी खीर विदाउट शुगर दे तो ज़्यादा बेटर है, आलू पराठा, मूंग दाल, चीला, दलिया, ये सारे ऑप्शंस हैं। और बेबी 1 ईयर प्लस है तो वो काफ़ी अच्छे से च्यू भी कर सकता है, और आप उसको ये सारे ऑप्शंस दे सकते हो। वेज में बेबी को आप जो है सारी चीज़ें दे सकते हो, जस्ट जो भी चीज़ें आप घर में बनाते हो, जस्ट आपको स्पाइसेस का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं नॉनवेज ऑप्शंस की। तो नॉनवेज में आप दे सकते हो बॉयल्ड एग, स्क्रैम्बल एग, एग पराठा, एग कटलेट, फिश कबाब, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। एंड आप डेफिनेटली इसके अंदर स्पाइसेस अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हो, बेबी को ज़्यादा तीखा या फिर गर्म मसाले वाली चीज़ें आपको नहीं देनी चाहिए, तो आप स्पाइसेस डेफिनेटली अपने अकॉर्डिंग डालिए, बेबी के अकॉर्डिंग डालिए। बट ऑब्वियसली पीडियाट्रिशियन भी यही कहते हैं, जो भी आप खाते हो 1 ईयर प्लस बेबी को, तो आप सारी चीज़ें खिला सकते हो। अब बात करते हैं ब्रेकफास्ट के बाद नैप टाइम की। अगर बेबी अगर उस टाइम पे नैप लेता है तो ठीक है, अगर नहीं लेता है तो आप उसको प्ले टाइम छोड़ दीजिए, उसको आप दूध पिला सकते हैं पहले या बाद में भी। और उसके बाद मिड मॉर्निंग स्नैक्स देना है, तो स्नैक्स के ऑप्शंस भी बहुत सारे हैं, मैं आपको बताती हूँ। मिक्स फ्रूट दे सकते हो आप, रोस्टेड पोटैटो वेजेस दे सकते हो, बनाना दे सकते हो, पियर दे सकते हो, एप्पल दे सकते हो, पनीर स्टिक्स दे सकते हो, चीज़ आप दे सकते हो बेबी को, वेज या फिर चिकन सूप भी दे सकते हो बेबी को मिड मॉर्निंग स्नैक्स में। ऑब्वियसली अगर बेबी ने थोड़ा सा मिल्क ले लिया है तो वो डेफिनेटली थोड़ा कम खाएगा या फिर थोड़ा ज्यादा, इसके हिसाब से एडजस्ट होगा। बट हाँ, आप ऑफर कर सकते हो, मे बी वो 1 बाइट खाए 2 बाइट खाए, बट आपको ऑफर करना चाहिए। अब बात करते हैं लंच की। लंच आपको करा देना है 1 बजे से 2 बजे के बीच में, टाइमिंग डेफिनेटली आप एडजस्ट कर सकते हैं। लंच में जो वेज के ऑप्शन है वो है वेजिटेबल खिचड़ी, दाल राइस, कर्ड राइस, वेजिटेबल दलिया, छोले राइस भी आप दे सकते हो, चिकपी बहुत ही हेल्दी होता है, पास्ता बट वो वीट या फिर सूजी का हो, पालक खिचड़ी, कैरेट राइस आप दे सकते हो, मिलेट नूडल्स दे सकते हो, बहुत ही हेल्दी होता है, सुपर फूड होते हैं, तो ये सारे चीज़ें आप दे सकते हो। एंड ये सारे काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस हैं, जो जिसका बेबी अगर थोड़ा सा भी खाता है तो उसके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन जाएंगे। अब बात करते हैं नॉनवेज ऑप्शंस की। तो आप चिकन कबाब दे सकते हो विथ राइस, एग करी राइस दे सकते हो, पैन फ्राइड चिकन दे सकते हो, फिश राइस दे सकते हो, चिकन पास्ता दे सकते हो, रोस्टेड फिश दे सकते हो, ये सारे चिकन नॉनवेज के जो हैं वो काफ़ी हेल्दी ऑप्शंस हैं, जो आप बेबी को डेफिनेटली दे सकते हो। और बेबी का डेफिनेटली अपने आप ही धीरे धीरे उसका मन होगा सारी चीज़ें खाने का, आपको बस इंट्रोड्यूस करवाना है सारी चीज़ें।
1 ईयर के प्लस की बेबी को आप सारी चीजें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसके बाद आता है नैप टाइम। तो मेरा बेबी जो है वो 2 बजे से 4 बजे के बीच में नैप टाइम लेता है, एंड इसके बाद 4:30-5 के आसपास मैं उसको देती हूँ इवनिंग स्नैक्स। और इवनिंग स्नैक्स के जो ऑप्शंस हैं वो है घी रोस्टेड मखाना, या फिर आप उसको फॉक्स नट बोल दो, काफी हेल्दी होता है और वो मेरे बेबी को बहुत ही पसंद है। या फिर आप मिल्क शेक दे सकते हो, मिक्स नट्स दे सकते हो, सूजी पनीर कटलेट दे सकते हो, पोहा आलू का जो स्टिक आता है वो आप दे सकते हो, रागी वीट की कुकीज दे सकते हो, होममेड बनी हुई कुकीज। और पोहा स्टिक जो है वो काफी अच्छे, वो थोड़ा सा आप एयर फ्राई कर लो या फिर बेक करके बनाओ तो ज्यादा हेल्दी रहेगा, अदरवाइज आप उसको अगर पैन फ्राई करो, सैलो फ्राई करो तो ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट बात करते हैं डिनर की। तो डिनर जो होता है मेरी बेबी का वो 7:30 to 8:30 के बीच में होता है, और डिनर में जो वेज के ऑप्शंस हैं वो है वेजिटेबल खिचड़ी, कैरेट चीज पराठा, रागी डोसा, मिलेट डोसा, ओट्स खिचड़ी वेजिटेबल एंड जो भी बना हुआ है उसके साथ थोड़ा सा रोटी, पनीर पराठा, वेज पास्ता अगेन आप डिनर में भी दे सकते हो। तो ये सारे काफी अच्छे ऑप्शंस हैं एंड काफी बैलेंस्ड मील है ये। अब बात करते हैं नॉन वेज के डिनर के ऑप्शंस क्या क्या हैं। तो काफी सारा वैरायटी में ऑप्शंस है नॉन वेज में भी। तो सबसे पहले आता है चिकन के साथ आप खिचड़ी बनाते हो, उसमें चिकन ऐड कर सकते हो, एग करी रोटी दे सकते हो, रोस्टेड चिकन बेबी खा सकता है, चिकन वीट नूडल्स आप दे सकते हो, आप मिलेट नूडल्स ले तो ज्यादा बेटर है, या फिर आप वीट नूडल्स भी ले सकते हैं, फिश राइस दे सकते हो, फिश कबाब दे सकते हो, आप यहाँ पे आप उसको राइस नूडल्स भी दे सकते हो। तो ये भी नॉनवेज के काफी अच्छे खासे ऑप्शंस हैं। और डिनर के बाद होता है स्लीपिंग टाइम। तो ये मेरी बेबी का बेड टाइम है, बेड टाइम से पहले मैं उसको मिल्क देती हूँ। पूरे दिन का कंप्लीट रूटीन जो आपको फॉलो करना है, और आप ट्राई कीजिए कि फॉलो करें, ट्राई कीजिए इन सारे ऑप्शंस को दें, बिकॉज अगर बच्चा एक दो बाइट भी लेता है इन सारे ऑप्शंस में से तो उनको उनके अंदर बहुत सारे न्यूट्रिशन जाते हैं तो जो उनके लिए बेनिफिशियल है। और अगर नहीं होता है, एडजस्ट नहीं कर रहा है बेबी इस चीज़ में, तो डेफिनेटली उसको फोर्स मत कीजिए। और कुछ ऐसे फूड ऑप्शंस होते हैं जो आपको 1 ईयर के बाद ही इंट्रोड्यूस करवाना चाहिए बेबी को, लाइक शुगर, सॉल्ट, हनी, होल मिल्क हो गया एंड कंप्लीट जो एग होता है वो। तो डेफिनेटली अगर आपका बेबी 1 ईयर प्लस है तभी इनमें से इन सारे ऑप्शंस को चूज़ कीजिएगा। और नेक्स्ट जो इम्पॉर्टेंट चीज़ बेबी के डाइट में आपको ध्यान रखने की होती है वो ये होती है कि अगर कोई भी आप एलर्जिक रिलेटेड फूड खिला रहे हैं या फिर कोई भी न्यू फूड बेबी को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं तो 2 से 3 दिन आपको इंट्रोड्यूस करवाना है, उसको देना है और चेक करना है कि कहीं कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं हो रही है, जिससे आपको बेबी को किस चीज़ से प्रॉब्लम है वो भी पता चल जाएगा। सो दैट्स ऑल, आज का वीडियो यही था और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो डेफिनेटली इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा टेल्स ऑफ मॉम को, ताकि आपको ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहें। और मिलती हूँ मेरे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।